करते हैं तो आप बाकी लोगों से जो है टेन ट्वेंटी मार्क्स की लीड ले सकते हैं नोट्स बनाने में भी, भी मेरा यही है कि कम से कम दो या तीन बार किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले नोट्स ना बनाएं क्योंकि आप बहुत नई बोलते हैं आप नहीं जानते कि नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू <प्रेंगा> में मुझे 204 मार्क्स कैसे मिले इसको लेके बार बार मुझसे पूछा जाता है तो सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैंने अडॉप्ट की वही मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्कूल्स में है अभी जो बच्चे स्कूल्स में हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें माइक पे जाने का जो हमारा भय है उसको स्कूल से ही दूर कर लिया जाना चाहिए क्योंकि अगर आप स्कूल में ही वो हेजिटेशन खत्म कर देते हैं तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आती है लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब स्कूल में नहीं हैं कॉलेज भी पास कर लिया है तो अब उनको वो मौका नहीं मिलेगा तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि अपने आसपास में पीयर ग्रुप में भी जब आप बातचीत करें तो आप ये कोशिश करें कि आपकी भाषा में एक प्रोफेशनलिज्म हो आप हल्की भाषा का इस्तेमाल करने से बचें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें और जब आप इंटरव्यू तक तो पहुंच जाएं, अब आपका इंटरव्यू है उसकी जब आप फाइनल तैयारी शुरू करें तो मैंने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को चार हिस्सों में बांट रखा था करंट अफेयर्स डेफ मेरा ऑप्शनल और बैकग्राउंड और इन चारों को मैंने एकदम प्रपोर्शनेट टाइम में बांट रखा था तो शुरू में जब मेरा डेफ मैंने फिल किया हमारा छह दिसंबर को रिजल्ट आया था और फोर्टीन दिसंबर डेफ भरने की डेट थी तो उन आठ दिन में केवल और केवल मैंने डेफ फिल किया वो अच्छे से इतना अच्छे से फिल किया कि क्योंकि डेफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वहां पे आपको रिप्रेजेंट करेगा वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे वो उससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं और उस क्वेश्चन में अगर आप ब्लंडर करते हो तो वो बहुत अच्छी बात कंसीडर नहीं की जाएगी तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप डेफ भरें आप सीनियर से कंसल्ट करें आप जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अपना एक रफ डेफ दिखाएं और उस डेफ को फाइनलाइज करें उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना करें उसमें कुछ ऐसी गलतियां ना करें जो आपको जो है बहुत महंगी पड़ सकती हैं डेफ अच्छे से फिल करने के बाद मेरा अगला स्टेप था एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना वो सारे संभावित प्रश्न जो मुझसे एक कैंडिडेट के तौर पर पूछे जा सकते हैं और ये चार चीज ध्यान में रखते हुए कि पहला मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल साइंस है दूसरा कि मैं एक विमेन हूँ तीसरा कि मैं डॉक्टर रही हूँ सर्विस की है तो हेल्थ सेक्टर का क्या रहेगा चौथा कि मेरा जो है हिंदी साहित्य है और करंट अफेयर्स में फिलहाल क्या चल रहा है तो मेनली इन सारे चीजों को मैंने चार पार्ट में डिवाइड करके अलग से डायरी डाल के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए इन क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए मैं कई लोगों के पास बैठी जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरी फैमिली से लेके मेरे दोस्तों से लेके मेरे मेंटर्स टीचर्स या फिर ऐसे लोग जो सेलेक्टेड है या फिर ऐसी अथॉरिटी जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं जैसे मेरे जहाँ मैं जोधपुर में पढ़ी हूँ वहाँ के कमिश्नर हैं डी हैं सबके पास बैठ के मैंने एक अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर किया उस जगह से रिलेटेड उसके काम से रिलेटेड उसकी इकॉनमी पॉलिटी साइंस इन सब से रिलेटेड जितना भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता था उन सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया तो अगले पंद्रह दिन चौदह तारीख से तीस तारीख तक मैंने पंद्रह दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रिपेयर किए और क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद मैंने एक एक क्वेश्चन को उठा के और उनके आंसर्स प्रिपेयर करना शुरू किया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है फिर जब मैं क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर कर लेती थी तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में मतलब ऐसा लगता ही था चार पांच क्वेश्चन ऐसे आते ही थे कि जहां मुझे लगता था कि इसकी क्या ओपिनियन होनी चाहिए क्या क्या इस पे बोला जाना चाहिए इतना स्टैंड मुझे क्लियर नहीं लग रहा तो आप एक ए फोर साइज शीट जो है उसको अलग से रखें और उनप केवल वो क्वेश्चन नोट करते हुए चलें और वो क्वेश्चन किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस करें जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है जो ज्यादा अच्छी ओपिनियन आपको दे सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन भी मेरे एड्रेस हो गए जिनपे मैं खुद प्रिपेयर नहीं थी और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मेरे इंटरव्यू में सेवियर जो था वो था डेटा कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो है ट्रैप किया जा सकता है तो वहां मैंने डेटा की हेल्प से और जब भी आप डेटा बोलिए एक चीज का ध्यान रखें कि डेटा का रेफरेंस सोर्स क्या है ये जरूर बोलें जैसे मैंने जितना हेल्थ डेटा बोला मैंने उसको 4 और 5 की सर्वे से कंपेयर करके बोला मैंने उसको हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से बोला वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स जो है उससे इस तरीके से बोला तो वो सारा डेटा जो है आप उस सबको रेफरेंस सोर्स के साथ बोले तो एक ऑथेंटिसिटी आपके आंसर में आती है उसके बाद क्या किया जा सकता है दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि भाषा को लेके जो हिंदी माध्यम में ये लगता है कि हिंदी माध्यम से इंटरव्यू देंगे तो क्या शुद्ध हिंदी बोलना अनिवार्य है बिल्कुल नहीं है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इंटरव्यू के बीच में इंग्लिश भी बोल सकते हैं मेरे इंटरव्यू के कई सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए इंग्लिश में आंसर किए गए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में बोलें लेकिन एक चीज का ध्यान रखें उन कठिन हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलन में नहीं है क्योंकि आप उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो जो जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं वो आपके आंसर को बहुत फास्ट तरीके से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे तो आप जो है पीछे रह जाएंगे अपने आंसर को कम्युनिकेट करने में तीसरा मुझे लगता है कि भाषा की खुशबू जो आपकी लोकल लैंग्वेज की खुशबू होती है वो भी वहां रहे जो स्पेशली अगर आपका साहित्य वाला बैकग्राउंड है या फिर ठेठ देसी आप अगर बैकग्राउंड से आते हैं तो कुछ ऐसी कहावतें कुछ ऐसे मुहावरे कविताएं ये भी अपने इंटरव्यू के लिए तैयार रखें तो मेरे इंटरव्यू का जो खत्म जब हुआ था मेरा इंटरव्यू तो वहां पे मुझे एक सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था कि जो मीराबाई हैं उनको आप संत मानती हैं या क्रांतिकारी मानती हैं तो लेकिन मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मैं कविता बोलने में अच्छी थी मुझे ये था कि अगर मैं इसको एक कविता की फॉर्म में या एक दोहे की फॉर्म में आंसर करती हूँ तो वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा तो मैंने उसको जो है राजस्थानी भाषा में आंसर किया था कि मैम मीराबाई जो है वो खुद लिख के गई हैं कि लोक लाज कुल जगत की दियो बहाय जस पानी अपने घर का पर्दा कर ले मैं जोगन बौराणी तो ये राजस्थानी भाषा में था तो उससे पहले मेरा इंटरव्यू हिंदी में भी चला इंग्लिश में भी चला अब राजस्थानी भाषा भी आई है तो एक डाइवर्सिफाइड आपकी जो खुद की है पर्सनैलिटी वहां पर लगती है और सबसे लास्ट में कि इंटरव्यू में क्या करना है आखिर इंटरव्यू कैसे साधा जाता है तो मुझे लगता है इंटरव्यू साधा जाता है आप जो हैं वो बन के आप एकदम सामान्य इंसान बन के जाए जमीन से उठे हुए अगर आप इंसान हैं तो वैसे ही बने रहें खुद में विश्वास रखें और विनम्रता और कॉन्फिडेंस इसके बीच में एक बहुत बारीक रेखा होती है तो उस बारीक रेखा ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो है उसको कभी क्रॉस ना करें हम्बल रहते हुए प्यार से अपनी एक मधुर आवाज़ में सिंपल टोन में अच्छे से कम्युनिकेट करें और जहां आपको नहीं आता है वहां ब्लफ़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें वो बहुत सीनियर लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इंटरव्यू के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है मेंबर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि थर्टी इयर्स भी अगर एक इंसान का एक्सपीरियंस है तो पाँच लोगों का वन फिफ्टी ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे लगता है ये एक स्टेप और आगे की बात है वो लोग फिफ्टी सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो और मल्टीप्लाई हुआ है उनका एक्सपीरियंस तो उनके सामने कभी भी ये बनने की कोशिश ना करें कि आपको बहुत ज्यादा आता है आपको जो आता है वो पढ़ने की वजह से आता है ये आपका मैसेज होना चाहिए और जो नहीं आता है वो आपसे मिस हो गया है इस वजह से नहीं आता है तो मुझे भी मेरे एक इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन था जो पूछा था केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे तो 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 उसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू देने जाए मुझे नहीं पता कितने लोग ये करते हैं बट मैंने ये किया था कि जो प्रोफेशनल लोग हैं थोड़े कि जैसे आपके टीचर हैं जिनसे आपका एक गैप है जिनसे आप इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं करते हैं उनके साथ आधे घंटे बैठ के एक फॉर्मल बातचीत करें जो कोई अच्छे प्रोफेसर्स हैं आपके आस के कॉलेज के जो नॉलेजेबल हैं उस फील्ड के उनके साथ बैठ के बात करें जैसे मैंने पहले बताया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं डीएम हुए कमिश्नर हुए उनसे आप समय लें बहुत अच्छा रिस्पांस वो लोग देते हैं तो उनसे आप समय लें उनसे उस जिले के बारे में जानने की कोशिश करें क्योंकि ये बैठने से आपको ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे आपका आंसर जो है वो नहीं लगेगा इंटरव्यू में आंसर देने की कोशिश बिल्कुल ना करें रटा रटाया और एक गलती ये है करते हैं कई क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा हो गए जो वहां पर आ जाएगा तो हम तुरंत तपाक से वो क्वेश्चन सुनते ही हमें एक्साइटमेंट हो जाता है कि अरे ये तो मुझे आता है और हम ओवर एक्साइटमेंट में उस क्वेश्चन को एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं तो ये ना करें हर क्वेश्चन से पहले आप ऐसा लगना चाहिए कि आप एक जेनुअन तरीके से इसके आंसर को सोच के बोल रहे हैं आप कोई बुकिश लैंग्वेज रट के नहीं आए हैं और एक जो मैंने अक्सर जो एस्पिरेंट्स में दिक्कत देखी है कि कुछ क्वेश्चंस में उनकी वॉइस टॉन एकदम अपवर्ड्स रहती है कुछ में एकदम ऐसे लगता है डीमोटिवेटेड टाइप तो उसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता वहां पे आप हल्का फुल्का डीमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थोड़ा सा बस अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं लेकिन जहां आपको बहुत अच्छा आता है वहां पे आप अपनी वॉइस टोन को एकदम एवरेज रखें नॉर्मल रखें और वॉइस टोन को एवरेज और नॉर्मल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप धीरे बोलें आप इतनी अच्छी आवाज़ से कम्युनिकेट करेंगे उनको लगे कि हाँ पंद्रह बीस की मीटिंग में ये जो बच्चा है ये बच्ची है जब बैठ के बोलेंगे तो ये एकदम क्लियर क्लैरिटी के साथ अच्छे शब्दों के साथ जो है अपने मैसेज को आगे पहुंचा देंगे उनको कन्विंस कर लेंगे तो इंटरव्यू और ये आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है इंटरव्यू से क्या हो जाएगा लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मेरा एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इंटरव्यू आपकी लिस्ट में जाने और लिस्ट में ना जाने को डिटरमाइन कर सकता है तो लास्ट तक हिम्मत ना हारे और इंटरव्यू में भी अपना उतना ही जोर लगाएं जितना आपने प्रलिम्स में लगाया है निबंध की तैयारी कैसे करें इस प्रश्न का उत्तर मैं इस तरीके से करना चाहूंगी कि निबंध का जो पेपर होता है उसमें अगर आप अच्छा कर करते हैं तो आप बाकी लोगों से जो है टेन ट्वेंटी मार्क्स की लीड ले सकते हैं तो निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब एक बार आपका जीएस प्रिपेयर हो जाए तब आप निबंध लिखना शुरू करें और अगर आपके पास अच्छा समय है जैसे आपने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो फिर आप अच्छी किताबें पढ़ें और उन अच्छी किताबों को अंडरलाइन करके उनमें बुक मार्क कर दें कि इस बुक में अच्छी लाइन लिखी हुई है तो निबंध की तैयारी के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है एक कॉपी तैयार करना उस कॉपी के अंदर मैंने जो किया था मैंने हेडिंग्स डाल दी थी एजुकेशन हेल्थ साइकोलॉजी सक्सेस फेलियर क्योंकि कभी अमूर्त जो निबंध आते हैं वो इसी तरीके की लाइन्स होती हैं तो उनमें फिर मैंने कोटेशन कविताएं लिखना शुरू किया तो अलग अलग भाषा की कविताएं कोटेशन शुरू करें जैसे मैंने जब लिखना शुरू किया तो क्योंकि मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ऐसा था कि मां संस्कृत के श्लोक बहुत ज़्यादा याद करवाए गए तो मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने पचास सौ संस्कृत के श्लोक श्लोक एक साथ लिख लिए कि ये मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं इंग्लिश के कोटेशंस मैंने एक साथ लिख लिए कविताएं मैंने एक साथ लिख ली कुछ फिल्मों के गाने थे जिनके लिरिक्स मुझे बड़ी अच्छी लगती थी तो वो मैंने लिखे इनफैक्ट ये जो जो मैंने अभी जो गाना यूज किया है मैं पल दो पल का शायर हूँ यही गाना जो है मैं मेरे निबंध के पेपर में जिसमें ये था कि कवि जो होते हैं वो शाश्वत लेजिस्लेटिव होते हैं उसमें मैं लिख के आई थी और मुझे निबंध में वन मार्क्स मिले हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे पहले निबंध की वजह से ज्यादा मिले दूसरा निबंध मेरा थोड़ा एवरेज निबंध था क्योंकि मैंने उसमें कोई उतना अच्छा कविता या उस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया तो कविताओं और कहानियों का निबंध में अपना एक खुद का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है ये क्वेश्चन कि कितनी कविताएं कितनी कहानियाँ इस्तेमाल करनी है ये निबंध का मुझे लगता है सिंगल क्राइटेरिया होना चाहिए उसका फ्लो अगर आपका फ्लो अच्छा है अगर आप किसी भी एग्जामिनर को पहले शब्द से लेके लास्ट शब्द तक निबंध पढ़वाने में सक्षम हो गए हैं थोड़ा आपकी जीएस की अंडरस्टैंडिंग ठीक है और थोड़ा आप कविताओं का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो निबंध अच्छा निबंध माना जाएगा उस फ्लो को ब्रेक नहीं करना है और कविताएं कैसे याद की जाए तो अकेले कविताएं याद करने में कभी अकेलापन ना रखें कंजूसी ना करें एक कविता खुद याद रखे तो दो चार लोगों को और याद करवाएं तो इससे आपको कविता ज्यादा याद होगी और इसके अलावा जब आप निबंध लिख लें तीन चार पांच लोगों से निबंध चेक करवाएं सेम निबंध को आप मल्टीपल लोगों से चेक करवाएं क्योंकि हर व्यक्ति की निबंध लिखने की एक अलग शैली होती है तो जब आप दस पंद्रह निबंध लिख लें तो अपनी शैली पे जो है एक अच्छा जो है कमांड कर ले और एक फ्रेमवर्क बना ले कि मेरा निबंध लिखने का तरीका ये है और मैं कैसा भी निबंध आए मैं इसको एक बार इन दो तीन ढांचों में जो है फिट कर लूंगा

वो जब वो सैटिस्फैक्ट्री हो गई कि हाँ मैंने सारे डायमेंशन जो है वो कवर कर लिए हैं मेरा जो अप्रोच है वो प्रोज कॉन्स उन सबको लेके चल रहा है फिर मैंने निबंध लिखना अच्छे से स्टार्ट किया और दस पंद्रह निबंध लिखते लिखते जो है एक अच्छा फ्लो डेवलप हो गया हालांकि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ लिखती थी तो उसका भी मुझे निबंध लिखने में हेल्प मिला इथिक्स की तैयारी कैसे करें इथिक्स में जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हैं वो फाइन है कोई कोई सा भी सोर्स आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने जो किया मैंने टॉपिक वाइज जो इथिक्स के पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन सारे टॉपिक वाइज एक एक वर्ड से मैंने करंट अफेयर के एग्जाम्पल लिख लिए थे जैसे पद्म जो है पुरस्कार दिए गए मान लीजिए कोई एक ऐसी स्टोरी है जो आपको लग रहा है बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है वो इंटीग्रिटी को जो है को करती है कि इंटीग्रिटी या परसवेरेंस की वो जो है को में जाती है तो आप उस उनका नाम लिख लें उनकी स्टोरी जो है वो छोटी सी स्टोरी आप लिख लें आप जितना आपको समझ में आएगी ताकि आप वहाँ पर उनको कोट कर सके तो इस तरीके करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल न्यूज में रहे हो उससे जब आप अपने जो है स्टडीज को या इन सबको आप जब शामिल करेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव आंसर बनता है दूसरा मुझे लगता है कि मैंने इथिक्स में बहुत ज्यादा मिथकीय कहानी जो ऐसे में बहुत ज्यादा मिथकीय कहानियों का इस्तेमाल किया वो मैंने कहीं कहीं इथिक्स में भी किया कि जहाँ आपको वैल्यू सिस्टम बताना हो वहाँ आप अपने शास्त्रों का कहीं श्लोक का रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी हम पढ़ते हैं तो उसके साथ इंडियन फिलासफ़ी का भी एक अच्छा वेटेज आप रख सकते हैं बार बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें तो मैंने जो प्रोसेस अपनाया वो प्रोसेस मैं आपसे साझा करती हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था और टेक्निकल uh, बैकग्राउंड वालों को लेकर अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करें और ह्यूमैनिटीज़ वाले भी ये सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग रहेगा तो मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि पहले सबसे पहले मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे गई और मैंने सारे ऑप्शनल की लिस्ट देखी कि कौन कौन से ऑप्शन जो है यूपीएससी प्रोवाइड करवाता है फिर उन ऑप्शन में से मैंने तीन ऐसे प्रोबेबल ऑप्शन चूज किए जो मैं फाइनली ले सकती हूँ तो मेरे लिए वो तीन ऑप्शन निकल के आए हिंदी साहित्य क्योंकि मेरी रुचि है मेडिकल साइंस क्योंकि मैं उसे पढ़ चुकी हूँ और एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए उसको पढ़ना बहुत आसान होता है तो इन तीन ऑप्शनल को मैंने फाइनल चूज़ किया कि इन तीन में से मुझे कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना है इसके आगे का प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप तीनों ऑप्शनल को लेके तीन शीट्स लें तीनों शीट्स पे ऑप्शनल लिखें नाम उसके बाद उन ऑप्शनल पेपर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें कि उनका क्या, क्या क्वेश्चन पेपर है क्या उनकी अप्रोच है क्या वो अप्रोच आपको लग रही है कि पढ़ के आप साध लेंगे तो मैंने जब इन तीनों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेडिकल साइंस काफी लेंदी है एंथ्रोपोलॉजी मेरे लिए नया है ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे कम मजा आएगा और हिंदी साहित्य जो है उसको पढ़ने में क्योंकि मेरी कविताओं में रुचि है साहित्य में रुचि है तो स्कोरिंग भी है और मजा भी आएगा और अच्छा पढ़ पढ़ भी लेंगे तो ये दो तीन क्राइटेरिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का कॉम्बिनेशन उस ऑप्शन में आपकी रुचि कितनी है और उसका स्कोरिंग क्या चल रहा है फिलहाल तो इन तीनों को मैंने डिसाइड करके और मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल चूज किया था तो आप भी यही तरीका अपना सकते हैं तीन ऑप्शनल चूज करें तीनों के प्रोज और कॉन्स लिखें और फाइनल डिसीजन लें उसके बाद हिंदी साहित्य को मैंने कैसे तैयार किया मेरे लिए एकदम नया विषय था तो मैंने कुछ मटेरियल ऑनलाइन मंगवाया और उस ऑनलाइन मटेरियल को पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए ज्यादा आसान होगा अगर मुझे कोई असिस्टेंस मिल जाए या कुछ पढ़ा दे अगर कोई क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ऐसा था जो एक्सप्लेनेशन करने से ज्यादा बेटर होता तो फिर मैंने विकास सर की क्लासेस ज्वाइन की थी और मेरा ऑप्शनल जो है मैंने कम्प्लीटली सर की क्लासेस के वीडियो और उनके जो प्रिंटेड नोट्स थे उनको पढ़ के तैयार किया हालांकि जब जब मैंने मैंने तैयार किया उसमें और जब मैंने लिखा उसमें और लिखा साल का गैप था तो मैं उतना अच्छा ऑप्शनल पे एफर्ट नहीं कर पाई बट जब मैंने क्लासेस ली थी वो जो मैंने मेहनत की उस मेहनत ने मुझे फाइनली पे ऑफ किया आजकल बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य के नोट्स को लेके कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन से वाले नोट्स पढ़े जाएं। तो मार्केट में कई सारी चीजें अवेलेबल है कुछ हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं जो बच्चे क्लासेस देख के नोट्स बनाते हैं वो और कुछ प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी किसी और के हैंडमेड नोट्स पढ़ने की बजाय आप जो हिंदी साहित्य के ऑथेंटिक प्रिंटेड नोट्स हैं जो या तो बुकलेट फॉर्म में आते हैं या जेरोक्स कॉपी के फॉर्म में आते हैं आप उन प्रिंटेड नोट्स को टाइप्ड नोट्स को पढ़ें ना कि किसी और के नोट्स को पढ़ें क्लास नोट्स पढ़ने से आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर आपको इनकम्प्लीट से सिलेबस लगेगा इनकम्प्लीट से आपका आंसर लगेगा उसके बजाय प्रिंटेड नोट्स को पढ़ें ज़्यादा कोशिश ये करें कि क्लासेस देख के प्रिंटेड नोट्स पढ़ें अगर समय की कमी या आपका पहले से ऐसा बैकग्राउंड है कि आप हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा जानते हैं तो केवल प्रिंटेड नोट्स पढ़ के भी काम चलाया जा सकता है आजकल कुछ काम ये किया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके सोल्व मेथड्स जो हैं उनकी सॉल्व जो है क्वेश्चन बुकलेट्स मिलती हैं उसमें अगेन मेरा सजेशन ये है कि जब आपका रेफरेंस अच्छे से तैयार होगा जब आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार होगा क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे वो साहित्य हो एंथ्रोपोलॉजी हो मेडिकल साइंस हो उसका अपना एक कंसेपचुअल पार्ट होता है जब आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार होएगा तो उस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करने में ज़्यादा आसानी होगी ज्यादा अच्छा आपका फ्लो होगा तो आप क्लासेस देखें प्रिंटेड नोट्स देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें और फिर आंसर राइटिंग करें और इसको रिपीट करें आंसर राइटिंग की फिर रिवाइज किया फिर नोट्स पढ़े फिर रिवाइज किया तो इसी तरीके से करें और बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए मेरे पास समय कम था मैंने नहीं बनाए मैंने इस तरीके से बनाया कि जैसे नोट्स है उसके ऊपर ही मैंने स्टिक चिपका ली एक जो है नोट स्टिक जो होती है वो नोट स्टिक चिपका के उसी पे मैंने पांच बुलेट पॉइंट लिख दिए तो अगर मुझे लगता है कि ये पांच बुलेट पॉइंट जो है इससे मेरा कवर हो गया जैसे मैं पांच बुलेट पॉइंट को पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया है उससे मेरा काम हो जाएगा तो मैं उनको फिर पूरे नोट्स को नहीं पढ़ती थी और अगर उन पांच में से कोई एक या दो पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इसका रेफरेंस मैं भूल गई हूँ इसकी कहानी मुझे याद नहीं है तो फिर मैं उसको रिवाइज कर लेती थी तो आप भी यही तरीका रख सकते हैं लास्ट में आप जो शॉर्ट नोट्स ऊपर ऊपर बनाएंगे ना वो आपको बहुत हेल्प करेंगे तो बस इसी तरीके से मैंने ऑप्शन तैयार किया मैंने आंसर राइटिंग कम की थी अगेन मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे बड़ी जो मैंने दो ही गलती की थी एक तो मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ा था और दूसरा मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी मैं आंसर राइटिंग सिर्फ क्लासेस जब मैं फाउंडेशन में थी तब मैंने की मेरे प्री और मीन्स के बीच में मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की बहुत गिनती के पेपर लिखे आप लोग ये गलती ना करें क्योंकि आज भी मुझे इस बात का ये लगता है कि अगर मैंने तब थोड़ी आंसर राइटिंग कर ली होती तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेटर होती बट ऐसा ही है प्रिपरेशन कभी परफेक्ट नहीं होती है आप उसी से सीखते हो तो मैंने ये सीखा है कि आंसर राइटिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रिपेयरिंग योर कंटेंट तो प्लीज फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए ये क्वेश्चन बार-बार आता है आंसर राइटिंग कब कम से कम तब करनी चाहिए कि जब आप अपने उस टॉपिक को जब आप अपने उस सिलेबस को एक या दो बार रिवाइज कर चुके हो अगेन नोट्स बनाने में भी, भी मेरा यही है कि कम से कम दो या तीन बार किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले नोट्स ना बनाएं क्योंकि आप बहुत नई बोलते हैं आप नहीं जानते कि नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सब जब आप दो तीन बार सिलेबस को रिवाइज कर ले तब आप आंसर राइटिंग करें हाँ इनिशियल आंसर राइटिंग आप टॉपिक वाइज शुरू में कर सकते हैं एक एक दो दो क्वेश्चन वाले कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इसका एक दो क्वेश्चन लिख लिया टॉपिक कंप्लीट हुआ एक दो क्वेश्चन लिख लिया और फुल पेपर्स ज़रूर लिख के जाएं मैंने फुल पेपर्स लिखने में कंजूसी की थी मैं मैंने हार्डली कोई एक आधा भी तीन घंटे का क्वेश्चन पेपर लिखा हो तो वो फुल पेपर्स आप जरूर जरूर लिख के जाएं आप जिस तरीके से यूपीएससी का फाइनल एग्जाम होता है सुबह शाम सुबह शाम मैंने नहीं लिखा था यही वजह थी कि फ़ाइनल एग्जाम में मेन एग्जाम में मेरे हाथ सूझ गए थे मुझे क्वेश्चन पेपर लिखने में दिक्कत आ रही थी मेरा हाथ दर्द करने लगा था और मैंने मेडिसिन लेके पेपर लिखे तो आप ये गलती ना करें अपनी बॉडी को मेंटली फिज़िकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिए कि आपको सुबह शाम सुबह शाम पेपर लिखने हैं करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें ये क्वेश्चन बार बार आता है मुझे लगता है कि इस बार मेरे जो कम मार्क्स है जीएस में उसमें सबसे बड़ी वजह है कि मेरा करंट अफेयर्स जैसे आप लोग बहुत कन्फ्यूज हैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं वो सोर्स के कम होने की दिक्कत नहीं है वो सोर्सेज बहुत ज़्यादा होने की दिक्कत है इन्फोडेमिक का वो एरा है तो अपने सोर्सेज को कैसे कंसाइज करें तो ये दो तीन अटेम्प्ट के बाद फाइनली मुझे समझ में आया कि करंट अफेयर्स को कैसे साधा जाना चाहिए आप ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ें कोशिश करें न्यूज़पेपर पढ़ें ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो क्योंकि वो रीडिंग हैबिट में अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करना सिखाती है आपको और एक जब न्यूज़ फ्लो में आती है जैसे आज किस न्यूज़ का एक हिस्सा आया कल उसका दूसरा हिस्सा आएगा तीसरा आएगा तो आप जो है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उस न्यूज को कनेक्ट करना सीखेंगे एनालाइज करना सीखेंगे आप उसको जो है इमेजिन करेंगे कि अब आगे क्या होगा तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें पढ़े इस पर बार बार प्रश्न आता है शुरू में आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं उसकी भाषा थोड़ी जो है सामान्य है उसको पढ़ा जा सकता है और अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ के और थोड़ा अच्छी फ्लुएंट भाषा पे आ जाए तो फिर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस को ही कंटिन्यू कर सकते है, हैं दोनों अच्छे न्यूज़पेपर हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए क्या किया जाना चाहिए सिंपल एक कॉपी डाल लें की उसमें केवल पढ़ते हुए जो फैक्चुअल चीज़ें आपको मिले कि हाँ ये फैक्ट है जैसे कई बार किसी बर्ड की फोटो डाल दी जाती है कि ये बर्ड जो है यहाँ पे नया साइट सीइंग हुआ है ये वाला बर्ड पहले कभी नहीं देखा गया तो उस बर्ड का नाम लिख लें और जब न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया अब आप उसके बाद डेली जो है किसी फॉलो करना सीखें पीआईबी की जो वेबसाइट है आप वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं आप पूरे दिन के जो न्यूज पेपर के आपने दो चार फैक्चुअल चीजें लिखी है आप श्योर करें कि उस संस्थान की वेबसाइट पे उसके बारे में डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं अगर लिखी हुई हैं तो आप वहीं से अपना प्रिपेयर कर लें उसके बाद तीसरा काम होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ लिया वेबसाइट हो गई तीसरा काम होना चाहिए मंथली मैगजीन मंथली मैगजीन जो है आप किसी भी संस्थान की अच्छी सी मैगजीन उठाए और जो एक अच्छा कंपाइलेशन होता है उसको बार बार रिवाइज करें मैगजीन के नोट्स बनाने चाहिए क्या अगेन आपके पास टाइम बहुत कम है अगर आपके पास ज्यादा समय है आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं फाउंडेशन बैचेस में हैं, दो तीन साल बाद देने वाले हैं तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं अगर समय कम है तो लास्ट में सब सब संस्थान जो है कंसाइज फॉर्म में देते हैं तो आपका काम वहीं से भी हो जाएगा जो स्पेशली पेपर टू और पेपर थ्री है उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी मैगजीन की इंडेक्स में जो टॉपिक लिखे हैं जैसे पॉलिटी में मान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है उस मैगजीन से पढ़ने के बाद एंश्योर करें कि आप लक्ष्मीकांत से उठा के उस टॉपिक को उस दिन पढ़ लें पेपर टू और पेपर थ्री को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप करंट अफेयर्स की इंडेक्स उठाएं और इंडेक्स से उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ते जाएं क्योंकि इससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर होगा और आप फाइनली आप देखेंगे कि जो मेंस का पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर वो इसी तरीके से आएगा न्यूज और स्टैटिक पोर्शन को कंबाइन करके तो वो अपनी प्रिपरेशन साथ में रखें आप चाहे तो पेंसिल से वहां पे रेफरेंस भी लिख सकते हैं कि अभी ये न्यूज में चल रहा है किस तरीके से क्या चल रहा है वहां पे स्टिकी नोट चिपका सकते हैं तो पेपर टू और पेपर सी के लिए तो मस्ट है करंट अफेयर्स पढ़ना इथिक्स में अगेन एग्जाम्पल के लिए आपको करंट अफेयर्स चाहिएगा फाइनल इंटरव्यू तो पूरा ही करंट अफेयर्स ओपिनियन बेस्ड होता है उसमें तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं तो आपका शुरू से बेस बनता रहेगा तो करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर वेबसाइट और मंथली मैगजीन इन तीनों सोर्सेस को साथ में लेके प्रिपेयर कर सकते हैं